तो आज सरकार ने एक पहल की, 75,000 नौकरियां आज दी गई हैं और आने वाले एक साल में ये 10 लाख बढ़कर हो जाएंगी। इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। अभी जफर इस्लाम जी सवाल उठा रहे थे कि आप ठीक है कटघरे में सरकार को खड़ा कर रहे हैं। मेरा जवाब ठीक है जफर जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए फिर मैं सुरेंद्र जी के पास। मेरे फिर बात हो जाने दीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं किसी के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। मैं आ रही हूं सुरेंद्र जी, देखिए बंगाल में हालात देखिए, राजस्थान में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है राजस्थान में, ये किसकी सरकार है? बंगाल में किसको बच्चों को मारा जा रहा है, ये किसकी सरकार है? और देश में देखिए पिछले जो ये बैंक के बारे में लॉस के बारे में, वो किसकी गलत नीतियों के वजह से हुआ था? ये कांग्रेस की गलत नीतियों के वजह से। हमने तो बैंकों को सुधारा है, संभाला है, आज क्रेडिट जो है उसकी रेटिंग भी बढ़ी है और क्रेडिट ऑफटेक भी बढ़ा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि नौकरियां तो तेजी से आ रही हैं, हर महीने आप देखिए जो एजेंसीज है उसका नंबर देखिए, चाहे वो जो नौकरियां देने वाली एजेंसीज के नंबर देखिए कि हर बार बताते हैं इतनी सारी नौकरियां जो पहले नहीं थी। साथ साथ जिस तरह से निवेश हो रहा है, अभी कोई बोल रहा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गया, अरे भाई जरा इतिहास तो पढ़ो जाके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस वक्त जब हुआ था जब उस वक्त 2008 में, तब समझ में आता था कि हाँ हमारे पास एफडीआई नहीं है, खाली जो हमारे एफपीआई है जो इक्विटी में पैसा आता है, तो घबराहट होती थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे बढ़िया बैलेंस ऑफ पेमेंट आज कंफर्टेबल पोजीशन पे भारत है। क्यों है? इसलिए कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एफडीआई भी आ रही है और एफपीआई जो है वो लिमिटेड है, सिर्फ उस पर से हम निर्भर नहीं है। देश मजबूत हो रहा है, आपको आंखों में पट्टी बांध के कब तक रखे गए, कितने दिन तक करते रहेंगे? अरे जब देश आगे बढ़ रहा है तो बोलिए, हाँ देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया को दिख रहा है आपको, आपको क्या पट्टी बन गया? कांग्रेस की नीतियों की वजह से बैंक बर्बाद हुए, जफर इस्लाम साहब आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो सुधारा है। प्राची जी कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। जफर भाई क्या बोलेंगे? जफर भाई को मैं कहना नहीं चाहता, इनको तो खुद ही भाजपा ने बेरोजगार कर दिया 2 साल राज्यसभा दे करके, आज चिल्ला रहे हैं। आप बात करते हैं 2014 से, जफर भाई कब तक कांग्रेस के पीछे शिखंडी बन करके छुपिएगा? 8 साल हो गए आपकी सरकार को, अभी जिम्मेवारी नहीं ले सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए। हमें 2014 बीच में मत बोलो, किस पार्टी बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो प्लीज। आप निजी कमेंट मत कीजिए, निजी कमेंट मत कीजिए, आपको क्या दिया है? प्राची सुरेंद्र जी, नहीं नहीं निजी सुरेंद्र जी, निजी टिप्पणी का झूठा क्या बात क्या मिला आपको? आइए पर कर रहे हैं उसी पर करते हैं, आप अगर शुरुआत करेंगे तो फिर वो बीच में बोलेंगे। 2014 से लेकर के निजी टिप्पणी का अच्छा ठीक है, तब अब आगे फिर जफर भाई भी देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहली बार थोड़ी हो रही है बहस। 2014 से और 2022 के बीच में जफर साहब 7 लाख नौकरी दी हैं आपने, 22 करोड़ एप्लीकेशन आई थी, आपके लिए शर्म से डूब मरने की बात है। आप बात करते हैं एफडीआई की, आप बात करते हैं फॉरेन रिजर्व की, आप बात करते हैं बाकी सारी चीजों की, आपको शर्म नहीं आती कि हमने बैंकों को नेशनलाइज किया था और आप बैंकों को प्राइवेटाइज करके दोबारा कॉरपोरेट को कर दे रहे हैं? सारी की सारी पूंजी आप चंद धन्ना सेठों को दे देना चाहते हैं? आज की डेट में बताइए कौन सा एमएसएमई सेक्टर नया ग्रोथ हो रहा है? आपकी ही उसमें आप ही की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है कि 39% लोगों ने, बीच में मत बोलो, 39% लोगों ने अब नौकरी का ख्वाब देखना बंद कर दिया है। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी सरकार की रिपोर्ट है कि अब उन्हें उम्मीद ही नहीं है। पिछले 8 साल में जितनी नौकरियां आपने छीनी हैं, आप पाप के भागी भी बनेंगे, श्राप के भागी भी बनेंगे और नरक के भागी भी बनेंगे जितने लोगों को आपने बेरोजगार किया है। आज की डेट में महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी आप बढ़ा रहे हैं, दोनों चीजें आप बढ़ा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? और उसके बाद आप तमाशा करते हैं 75,000 नौकरियों का। आपने रेलवे की नौकरी खत्म की, आप कह रहे हैं जो अभी एक कोई अघोषित भाजपा के प्रवक्ता थे, कह रहे थे कि 41 लाख नौकरियां हैं, 1.25 करोड़ नौकरियां हैं और इतनी नौकरियां आपने खत्म की हैं केंद्र सरकार की, जिसमें से रेलवे मुख्य है, जिसमें से सेना मुख्य है, जिसमें से सीआरपीएफ मुख्य है। ठीक है, आपके सवाल वाजिब है, इनका जवाब जफर इस्लाम साहब देंगे, लेकिन एक सेकंड सर, जिन लोगों को आज नौकरी मिली है उनके चेहरे पर किस तरीके की खुशी है वो जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। लखनऊ में जब आज हाथों में जॉब लेटर मिला तो दिवाली पर उनकी खुशी दुगनी हो गई। अब की बार दिवाली नौकरी लेकर आई है और इन्हीं से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विशाल प्रताप ने।
सर बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है IBPS में, तो वो हर बार होता है कि वो 31st एक साल बाद पोस्टिंग मिलती थी बच्चों को, पर इस बार क्या हुआ, विद इन 6 मंथ्स में पोस्टिंग मिल गई, तो खुशी तो है। टाइम से हम तैयारी कर रहे थे, हर बार क्या होता है वेटिंग में डाल दिया जाता है बच्चों को, मेहनत करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो फाइनली अच्छा लग रहा है। धनतेरस के दिन सैलरी लक्ष्मी की तरह है। थैंक यू सो मच मोदी जी। काफ़ी खुशी हो रही है, घर की बड़ी बेटी हूँ तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, तो अब अच्छा लग रहा है, एक शुरुआत है, एक स्टेप ले ली। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज कराया है हम लोग के लिए, यूथ के लिए, एक यूथ को प्रमोशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। सर बहुत अच्छा लग रहा है और फैमिली को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आज के दिन, और इसीलिए मोदी जी को इसलिए थैंक यू कहेंगे हम। और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, और उनकी तरफ से ये युवाओं को भी संदेश है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और अभी आने वाले बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और उन्हें उन्हें ग्रैब करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में एक योगदान देना चाहिए। सर बहुत खुशी हुई कि हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ बुला के मिला, क्योंकि बहुत टाइम से हम प्रिपरेशन कर रहे थे और अभी मौका मिला है तो बहुत खुशी हुई, और मोदी जी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही, बहुत खुशी हुई। वैसे भी हम लोग सब लोग मोदी के बहुत फैन हैं, तो बहुत अच्छा लगा, और धनतेरस के दिन मिला तो और ही अच्छा लगा। सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से छोटा सा रिएक्शन इस पर दीजिएगा, आप जिसे तमाशा कह रहे हैं जनता तो कह रही है हमें बहुत खुशी हो रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है, और कुछ युवा तो ये भी कह रहे हैं कि एक एक साल लगती थी पोस्टिंग में, अब तो बहुत जल्दी नौकरी मिल गई हमें। देखिए, जिन 75,000 युवाओं को नौकरी मिली है वो मेरे ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं प्राची, उनको बधाई, उनके लिए हमारे मन में कोई वो नहीं, वो बिल्कुल धन्यवाद उन्हें देना भी चाहिए क्योंकि नौकरी उनकी लगी है। लेकिन उनके जो साथ में पिछले क्या नाम 22 करोड़ लोगों ने, जिन लोगों ने नौकरियों के अप्लाई किया था, और जिसमें कहा गया था कि आप 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ या कितनी भी नौकरियां देंगे, जितनी भी वैकेंसी खाली है कम से कम उतनी तो नौकरियां देंगे, लेकिन इस सरकार ने पाप किया है, राज्य स्तर पर पाप करती है नौकरियां खत्म करके। अभी मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताऊं, इन्होंने कहा बंगाल में ऐसा है, जफर भाई ने कहा राजस्थान में ऐसा है, अरे भाई राजस्थान बंगाल क्या पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में है? हिंदुस्तान की नौकरियों की जिम्मेवारी, हिंदुस्तान के एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, अगर कोई राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। और आप अभी बात पीटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम कंडेम करते हैं कि उन बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, आपकी हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो, जफर इस्लाम जब रेलवे के बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, कह रहे हैं कि अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार काम नहीं कर पा रही है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, एक्शन लेना चाहिए आप लोगों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।